हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं विभाग के केंद्र प्रवर्तित योजना संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जिस पर आप लोग अपना आकलन करेंगे और देखेंगे कि आप लोग से कितना बनता है। इससे पहले कि जो नए बच्चे मुझसे जुड़े हैं, मैं बता देना चाहता हूँ 27-28 वीडियो मैं अपने प्लेलिस्ट में लोड कर चुका हूँ, वीडियो में लोड कर चुका हूँ चैनल में। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक वाला जो महिला सुपरवाइजर देख सकते हैं, जिसमें सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कशन बॉक्स में लिंक शेयर करता हूं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। पोषण अभियान के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2021, 2022, 2023 और 2024 तक। सही आंसर भी आएगा 2022 तक। यूनिसेफ द्वारा आयोजित व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत 5 वर्ष में कम आयु वर्ग के बच्चों में कितने प्रतिशत बच्चे स्टर्टिंग अर्थात कद का न पढ़ने की समस्या से ग्रसित है? सही आंसर ए आएगा 34.7% जो बच्चे हैं कद न पढ़ने की समस्या से ग्रसित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा आयोजित व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के कितने बच्चे अल्प वजन की समस्या से जूझ रहे हैं? सही आंसर बी आएगा 33.4% बच्चे अल्प वजन की समस्या से यहां पर जूझ रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है। पोषण अभियान योजना के तहत निम्न में से किनको शामिल किया गया है? बच्चों एवं किशोरों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को या इन सभी को? सही आंसर डी आएगा इन सभी को। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान के तहत पहले वर्ष कितने जिलों को चुना गया है? 765, 709, 235 या 315? सही आंसर डी आएगा 315 जिलों को चुना गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान के तहत दूसरे वर्ष कितने जिलों पर लागू होगा, मैंने चुना गया है? 765, 709, 235 या 315? सही आंसर सी आएगा 235। पहले चरण में 315 जिलों को लिया जाएगा, दूसरे चरण में 235 जिलों को लिया जाएगा और तीसरे चरण में जो शेष बच जाएंगे जिले उन पर काम किया जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है उभर कर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 में शुरू होने वाले 3 साल के बजट में कितने करोड़ रुपए का राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की मंजूरी दी थी? यहाँ पर सही आंसर ए आएगा 9046.17 करोड़ रुपए की। पोषण अभियान योजना कब लॉन्च हुआ ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था। पोषण अभियान के तहत 2022 तक स्टार्टिंग अर्थात बच्चों में कद न पढ़ने की समस्या को 38.4% से घटाकर 2022 तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर इसमें ए आएगा करीब 25% तक कम करने का लक्ष्य इसमें बताया गया रखा गया है। पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष स्टार्टिंग कम पोषण एनीमिया को कम करने का क्रमशः लक्ष्य क्या रखा गया अब क्रमशः बताना है। स्टार्टिंग में मैंने कद न बढ़ने की समस्या में, कम पोषण में और एनीमिया में। सही आंसर सी आएगा 2-2-3% अर्थात स्टार्टिंग में पहले वर्ष 2% फिर 2% और एनीमिया में 3%। इस प्रकार टोटल अपने को धीरे धीरे कम करना है। क्वेश्चंस आता है। पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस इलाके से प्रारंभ किया गया? जैसलमेर, झुंझुनू, मेवाड़ या जयपुर? सही आंसर आएगा झुंझुनू से प्रारंभ किया गया था। किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित किस योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है? मातृवंदना योजना, उज्ज्वला योजना, स्वधारा योजना या सबला योजना? सही आंसर डी आएगा सबला योजना के तहत। सबला योजना के तहत किशोर बालिकाओं को प्रतिदिन कितने रुपए मान से पूरक पोषण आहार का प्रदान किया जा रहा है? 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 6 रुपए? सही आंसर बी आएगा 5 रुपए के दर से इनको पूरा पूरक पोषण आहार दिया जाएगा।
क्वेश्चन है, सबला योजना के तहत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वार्षिक व्यय में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या होगा, अर्थात केंद्र कितना देगा और राज्य कितना देगा। सही आंसर ये आएगा 50-50%, 50% केंद्र 50% राज्य। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए कितने रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, 15, 10, 8 या 6। सही आंसर डी आएगा 6,000 रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू किया गया था, सही आंसर बी आएगा 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया था। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नगद लाभ किस प्रकार दिया जाएगा, सीधे उनके हाथों में दिया जाएगा, पैसे के बदले महिलाओं को उतनी मूल्य का सामान दिया जाएगा, सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा, महिला जैसा उचित चाहे ले सकती। सही आंसर सीधा उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली किस्त में गर्भवती महिलाओं को 150 दिनों के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाएगी, सही आंसर डी आएगा 1,000 रुपए। पहले जब वो गर्भवती होती है, जब जांच कराने जाती है, तो 150 दिन के अंदर उसको 1,000 रुपए दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दूसरी किस्त में गर्भवती महिला को 180 दिनों के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाएगी, सही आंसर आएगा सी आएगा 2,000 रुपए प्रदान की जाएगी। जब दूसरी बार जांच कराने जाएगी तो 180 दिन के अंदर उसको 2,000 रुपए प्रदान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किस वर्ग के महिला को प्राप्त नहीं होगा, जो केंद्रीय राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है, जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती है मातृ वंदना टाइप का, और दूसरे बच्चों को जन्म देने पर, उपरोक्त सभी। सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये दोनों सब लागू, और जो पहले, क्योंकि यह योजना केवल पहले बच्चे पर है, दूसरे बच्चे पर नहीं, और सरकारी नौकरी करने वाले नियमित वाले को भी नहीं दिया जाएगा, और इस जैसा कोई और लाभ प्राप्त करे तो भी नहीं दिया जाएगा। शारीरिक एवं मानसिक हिंसा से पीड़ित, शिक्षित एवं अल्प शिक्षित पीड़ित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा ऐसी अबला महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, सही आंसर ए आएगा सखी वन स्टॉप सेंटर योजना चलाई जा रही है। सखी केंद्र वन स्टॉप सेंटर योजना कब से प्रारंभ की गई, सही आंसर आएगा सी 1 अप्रैल 2015 से ये प्रारंभ है यह योजना। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत फंड इकट्ठा करने के लिए किस नाम से फंड चलाया जा रहा है, महिला सहयोग फंड, निर्भया फंड, दुर्गा फंड या विजयलक्ष्मी फंड। सही आंसर बी आएगा निर्भया फंड के नाम से चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत देश में कब से हुई, सही आंसर डी आएगा 22 जनवरी 2015 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिका के बैंक खाता खोलने से लेकर कितने साल की उम्र तक निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी, सही आंसर सी आएगा 14 साल की उम्र तक आपको जमा करनी होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिका के कितने साल होने के बाद इस धनराशि का 50% लिया जा सकता है, सही आंसर बी आएगा सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा 18 साल पूरा होने पर आप 50% ले सकते हो, और 21 साल पूरा होने पर पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत कितने साल की उम्र तक बालिका का खाता खोला जा सकता है, सही आंसर ए आएगा जन्म से लेकर 10 साल तक की उम्र तक खोला जा सकता है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, सही आंसर आएगा 2009 से। एकीकृत या समाकृत जो भी हो, बाल संरक्षण योजना का प्रारंभ 2009 से हुआ। सबला योजना का पूरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी शक्तिमती योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू विकास परियोजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना या आयुष्मती योजना।
सही आंसर सी आएगा, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। सबला योजना का घोषणा कब की गई थी? सही आंसर ए 19 नवंबर 2010 को की गई थी। याद रखना 19 नवंबर को प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है, इस ढंग से आप याद कर लोगे ना सबला योजना को। क्वेश्चन है, सबला योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के किशोरियों को लाभ प्राप्त होगा? 11 से 16, 10 से 18, 11 से 18, 11 से 15। सही आंसर सी आएगा, 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को लाभ मिलेगा। सबला योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के लड़कियों लड़कियों को जो स्कूल छोड़ चुकी है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा? सही आंसर बी आएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र की लड़कियां जो कि स्कूल छोड़ चुकी है उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो स्वावलंबी बन सके। राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित है? सही आंसर आएगा 6। 6 बाल गृह राज्य में संचालित है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बालिकाओं के लिए बाल गृह संचालित है? अब बालिकाओं के लिए पूछा, बालक के लिए नहीं, बालक छयों में बालिकाओं के लिए कहां कहां है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, उपयुक्त ए बी दोनों में। सही आंसर यही आएगा, रायपुर में भी है और बिलासपुर में भी है। विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर कहां रखा जाता है? जेल में, बाल संप्रेक्षण गृह में, बाल गृह में या महिला जेल में? सही आंसर आएगा बाल संप्रेक्षण गृह में। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए बाल संप्रेक्षण गृह कौन से जिले में संचालित होता है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या राजनांदगांव? सही आंसर डी आएगा, राजनांदगांव में। कामकाजी महिला छात्राओं वास योजना के लिए किसी भी महिला को उम्र कितने साल से अधिक होनी चाहिए? 18, 21, 25 या 30? सही आंसर ए आएगा, 18 साल से उनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन है, कामकाजी महिला छात्रावास योजना के तहत रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए कुल आवास का कितने फीसदी स्थान उपलब्ध रहेगा? सही आंसर है बी 30%। ये जो योजना है सरकारी जो रोजगार में लगी रहती है चाहे प्राइवेट हो सरकारी उनके लिए है, लेकिन अगर जो प्रशिक्षण ले रही है उनके लिए केवल 30% है, ले सकती है जो, लेकिन एक साल से ज्यादा प्रशिक्षण उनका नहीं चलना चाहिए। बच्चों तथा महिलाओं को ट्रैफिकिंग की निवारण, ट्रैफिकिंग माने होता है तस्करी, तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव पुनर्वास उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? ये आपको बताना है। सही आंसर है उज्ज्वला गृह योजना। कामकाजी महिला छात्रावास योजना के तहत हितग्राही लाभार्थी जो सरकारी रोजगार में लगे हुए हैं और महानगर में निवास करते हैं उनकी मासिक सकल आय निम्नलिखित में से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 35,000, 40,000, 50,000 या 25,000 रुपए? सही आंसर है 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आया सकल आय, अगर समेकित आय बोलता, सकल की जगह अगर समेकित लिखा होता तो आंसर आपका आता 35,000 रुपए। इसको याद रखना, सकल आय बोलेगा तो 50,000 और समेकित आय और मासिक ना समेकित बोलेगा तो 35,000 आएगा। क्वेश्चन से, कामकाजी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत किसी भी महिला को कितने वर्ष तक रहने की इजाजत दी जाती है? समानता 3 वर्ष तक का रहने की इजाजत होती है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में कौन सी योजना संचालित की जा रही है? सही आंसर ए आएगा, स्वधारा योजना। प्रदेश में कहां पर स्वधारा गृह का संचालन नहीं किया जा रहा है? 3 जगह स्वधारा गृह का नियोजन चल रहा प्रदेश में, 1 जगह नहीं किया जा रहा, उसको बताना है। सही आंसर डी आएगा, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर में चल रहा है लेकिन रायपुर में नहीं। स्वधारा गृह योजना के तहत केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? सही आंसर है 60/40, 60% अगर केंद्र देगा तो 40% जो है राज्य देगा।
क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर बनता है, केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या श्रम मंत्रालय? सही आंसर सी आएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। महिलाओं और बच्चों के विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया था? सही आंसर बी आएगा 1985। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग पर महिलाओं एवं बच्चों के विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले निम्न में से किस संस्था के साथ समन्वय की जिम्मेदारी है? यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी या आईएलओ? सही आंसर ए आएगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ को ये सहायता देता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड द्वारा सहायता दिया जाता है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सभी दायित्वों का निर्वहन निम्न में से किस संगठन के माध्यम से करती है? राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। भारत सरकार द्वारा किस पर समेकित बाल विकास योजना ICDS प्रारंभ की गई थी? सही आंसर आएगा 1975 को। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा मुख्यतः कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है? सही आंसर सी अर्थात 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। आशा करता हूं यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।